नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के वाराणसी की सूरत अब और भी खूबसूरत हो गई है। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे, जहां पीएम मोदी करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात काशीवासियों को देंगे। वहीं पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है और टूरिज्म और स्पोर्ट्स के साथ ही साथ मूलभूत सुविधाओं के लिए भी इसे अहम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी का काशी कार्यक्रम, करीब 4 घंटे काशी में रहेंगे पीएम मोदी। पुलिस लाइन से एलटी कॉलेज जाएंगे पीएम मोदी। एलटी कॉलेज के कार्यक्रम के बाद जाएंगे रुद्राक्ष सेंटर। शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे पीएम। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम। जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को वाराणसी दौरे पर जाएंगे। अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के दौरान वो कई बड़े विकास कार्यों की सौगात देंगे। अगले लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक अहम दौरा माना जा रहा है। अपने संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी लगभग 4.25 घंटे समय बिताएंगे। इस दौरान पीएम 3 जगहों पर कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम मोदी एक जनसभा के दौरान 1,812 करोड़ की 45 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। शिक्षा को लेकर के अखिल भारतीय महासम्मेलन आज रुद्राक्ष में हम यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर कल जो है कि प्रधानमंत्री द्वारा शिक्षा का बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है और यहाँ पर करीब काफ़ी संख्या में हर बनारस के यानी देश के व राज्य के सभी कुलपति यहाँ मौजूद होंगे, जिसको लेकर के यहाँ एक बड़ा सम्मेलन होगा और जिसको प्रधानमंत्री खुद यहाँ शिरकत करेंगे और इसका प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन होगा। आपको बता दें कि शिक्षा को दिशा निर्देश देने के लिए यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें शिक्षा को लेकर के यह कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद यहाँ पर शिरकत करेंगे और उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हालांकि यह प्रोग्राम 3 दिन चलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन होगा। वहीं काशी में पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट की गई है। बनारस की पहचान 84 घाटों से होती है। उन्हीं घाटों में से एक घाट इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है, खिड़किया घाट यानी नमो घाट, जहां पर्यटकों का इस समय हुजूम देखने को मिल रहा है। इस घाट पर 3 नमस्ते स्टैचू बनाए गए हैं। पर्यटकों के लिए ये आकर्षण का केंद्र बना है। जो भी पर्यटक यहां आते हैं उनके लिए ये एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। फर्स्ट फेज का काम पूरा हो चुका है, जो 45 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से इसका लोकार्पण होना है। इस घाट पर जल, थल, वायु तीनों का संगम है। इसके अलावा इस घाट पर जेटी बाथिंग बोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग लोग मां गंगा में डुबकियां लगा सके। इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पण का इंतजार है। इसके अलावा सिगरा के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम का कायाकल्प होगा। इस काम के फर्स्ट फेज में 87.36 करोड़ की लागत आएगी। यहां इंटरनेशनल लेवल का इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज का काम पूरा होने के बाद यहां वाराणसी सहित पूर्वांचल की युवा प्रतिभाएं 20 से अधिक इंडोर गेम्स खेल सकेंगी। बनारस स्मार्ट सिटी के तहत 99 नाइट विजन मार्केट बनाई गई है। अंदरा पुल मार्केट से लेकर के या कमलापति त्रिपाठी स्कूल ब्रिज के नीचे ये मार्केट नाइट विजन बनाई गई है। आपको कैमरे में साफ तौर पर दिखाएंगे कि आप देखिए कि किस तरीके से ये
खूबसूरत मार्केट बन करके तैयार है और यहाँ से लेकर के ये 99 मार्केट बनाई गई है, दुकानें बनाई गई हैं जिसका प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण होगा। कल पीएम जब आएंगे तो इस नाइट विजन मार्केट का भी पीएम के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी में हमेशा से ही एक्टिव रहे हैं और काशी की अलग पहचान यूपी ही नहीं अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री काशी के दौरे पर रहेंगे, कई बड़ी सौगातें देंगे। साथ ही साथ उनका ये दौरा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि 2024 की तैयारी है और तैयारी में काशीवासियों का उन्हें आशीर्वाद भी चाहिए। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।